गुड मॉर्निंग एवरीवन, वीडियो ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं शोभा वर्मा, लेक्चरर CDDM GRWPC जोधपुर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रथम वर्ष के विषय थ्योरी ऑफ फैशन की फर्स्ट यूनिट पार्ट वन मेजरिंग टूल्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको पार्ट टू मार्किंग टूल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। मार्किंग टूल्स, नाप लेने के पश्चात जो गारमेंट तैयार करना है उसका पेपर पैटर्न बनाया जाता है, फिर उसी पैटर्न से कपड़े के ऊपर निशान उतारे जाते हैं। अतः कपड़ा तथा पेपर पैटर्न काटने से पूर्व इन पर निशान लगाने के लिए यूज किए जाने वाले टूल्स को मार्किंग टूल्स कहते हैं। इन टूल्स का प्रयोग कटिंग लाइन, डार्ट, टर्फ, नेक, कर्व, शेप, ग्रेन लाइन आदि पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में यूज आने वाले ये मार्किंग टूल्स निम्न प्रकार से हैं: मार्किंग चॉक, वैक्स चॉक, ट्रेसिंग व्हील, ट्रेसिंग पेपर, कलर पेंसिल, मार्कर पेंस आदि। मार्किंग चॉक, इसे टेलर चॉक भी कहा जाता है। यह कपड़ों पर मार्किंग करने का सर्व प्रचलित टूल है। यह मिट्टी अथवा खड़िया की बनी होती है जो कि विभिन्न रंगों में एवं अलग अलग आकारों जैसे आयताकार या त्रिभुजाकार शेप में मिलती है। कपड़े पर रंगों के अनुसार मार्किंग चौक यूज करनी चाहिए। डार्क कलर के फैब्रिक पर लाइट कलर की एवं लाइट कलर के फैब्रिक पर डार्क कलर की चौक यूज करनी चाहिए। कपड़े पर बने इसके निशान कपड़ा धोने के बाद आसानी से हट जाते हैं। वैक्स चौक, अपने नाम के अकॉर्डिंग ही यह मोम अथवा क्रेयोन से बनी होती है। इसका प्रयोग विशेष रूप से ऊनी कपड़ों पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। यह भी विभिन्न रंगों जैसे व्हाइट, ब्लैक, येलो, रेड, ब्लू आदि में उपलब्ध होती है। इसके द्वारा लगाए गए निशान हीट अथवा लॉन्ड्रिंग के द्वारा आसानी से हटाए जा सकते हैं। इसे टेलर वैक्स भी कहा जाता है। ट्रेसिंग व्हील, इसका प्रयोग बहुत सारे कपड़ों की लेयर्स पर एक साथ मार्किंग करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा कपड़ों पर छोटी साइज के निशान जैसे टार्ट, नोचेज आदि आसानी से ट्रांसफर किए जाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक वे जिनके सिरे दंतुर होते हैं जिससे सभी प्रकार के कपड़ों पर मार्किंग आसानी से की जा सकती है, दूसरे वे जिनके सिरे समतल होते हैं। इनके द्वारा पतले तथा मुलायम कपड़े पर मार्किंग की जाती है। यह एक छोटा सा चक्राकार मेटल व्हील होता है जो कि धातु या लकड़ी के हैंडल से जुड़ा होता है। ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर का उपयोग ट्रेसिंग व्हील द्वारा पैटर्न पर की गई मार्किंग को कपड़े पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। मार्किंग हमेशा कपड़े की रॉन्ग साइड पर की जाती है। इसे कार्बन पेपर या ड्रेस मेकर कार्बन पेपर भी कहा जाता है। यह मार्केट में विभिन्न रंगों में अवेलेबल है जैसे रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो आदि। हमें कपड़े के रंग के अनुसार अर्थात विपरीत रंग का ट्रेसिंग पेपर ही यूज करना चाहिए। कलर पेंसिल्स, यह मार्केट में मिलने वाली साधारण रंगीन पेंसिल ही होती है। इसका प्रयोग पेपर पैटर्न पर डिजाइन, ड्राइंग, विभिन्न प्रकार की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। अधिकतर रेड एंड ब्लू रंग की पेंसिल का प्रयोग ही किया जाता है। रेड कलर का यूज पेपर पैटर्न पर कटिंग लाइन, फोल्डिंग लाइन, ऑन फोल्ड आदि की मार्किंग के लिए एवं ब्लू कलर का प्रयोग डार्क, टर्फ, सीम लाइन आदि की मार्किंग हेतु किया जाता है। मार्कर पेन, इसका प्रयोग कपड़े तथा पेपर पैटर्न दोनों पर निशान लगाने के लिए किया जाता है। आजकल मार्केट में विभिन्न प्रकार के मार्कर पेंस मिलते हैं, किंतु मुख्य रूप से यह दो प्रकार के होते हैं, इरेजेबल एंड वाटर सोल्यूबल मार्कर पेन। पेपर पैटर्न पर डिजाइनिंग हेतु विशेष रूप से ये
प्रयोग में लाए जाते हैं। इनके द्वारा की गई मार्किंग आसानी से हट जाती है, किंतु कपड़े पर प्रेस करने से पूर्व मार्क्स हटा लेने चाहिए। फ्रेंड्स, ये थे मार्किंग टूल्स। मैं आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नए वीडियो में मैं कटिंग टूल्स के बारे में जानकारी दूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।